हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त अनिकेत वापस आ गया हूँ एक और नई कहानी के साथ। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मुझे किसी काम को लेकर पटना जाना था। तो मेरा जो काम था पटना में, वो शाम को थी, तो मैं सुबह ही सुबह पटना पहुँच गया और मैं सरकारी बस से गया था। तो सरकारी जो बस थी, वो मुझको ले जाकर गांधी मैदान बस स्टैंड के पास उतार देती है। मैं सुबह सुबह लगभग 9 बजे के आसपास पटना पहुंच चुका था। अब मुझको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं दिन भर पूरा करूंगा क्या, कहां जाऊंगा। तो सामने गांधी मैदान था, जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो मैं सोचा जाकर उसी में बैठ जाता हूं। मैं गया वहां, अंदर जाकर देखा तो बहुत सारे लोग टहल रहे थे, कुछ लोग खेल रहे थे और कुछ लोग बैठे हुए थे। मैं भी अंदर जाकर अपने लिए बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा था, पर कहीं जगह मिले तब तो। मैं जहाँ जा रहा था, कोई ना कोई बैठा हुआ था। जैसे तैसे करके मुझको एक जगह मिला, जहाँ पर मैं जाकर बैठ गया। और वहाँ पर जो लोग बैठे थे, वो लोग भी उठकर चले गए। तो उस जो बेंच था, उस पर मैं अकेला ही बैठा था। मैं बैठा, अपना जूता निकाल कर सोचा कि पैर ऊपर करके फिर बैठ जाता हूँ। अभी मैं ठीक से बैठा भी नहीं था, तभी मेरी नज़र पड़ती है एक अंकल पर। नज़र इसलिए पड़ती है क्योंकि वो अंकल मेरी तरफ बार बार देख रहे थे, और जब मैं उनके तरफ देखा तो मुझको देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। एक बार मुस्कुराए तो मैं इग्नोर कर दिया, मुझको लगा कि शायद इनको पहचानने में कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन वो जब बार बार मुस्कुराने लगे, फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं यहाँ बात कुछ और है। तो फिर मैं भी मुस्कुरा दिया। तो मैं मुस्कुराया, धीरे धीरे वो अंकल आए और मेरे पास आकर बैठ गए, और धीरे 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 मुझसे चिपक कर भी बैठ गए। फिर मुझसे पूछने लगे कि यहाँ किस लिए आए हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब मैं बताने लगा। अभी मैं बता ही रहा हूँ, तब तक मैं देखता हूँ कि एक और अंकल, जो कि हम दोनों के तरफ घूरते हुए चलो आगे रहे थे, पर घूर रहे थे, हम दोनों को घूरते हुए आगे जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि क्या मैं इतना ज़्यादा अचानक हैंडसम हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ, पर ऐसा मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं था कि अभी बैठे हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ और दो दो अंकल ऐसे दिख रहे हैं। और हो सकता है कि संडे दिन था, इसके वजह से भीड़ और भी ज़्यादा हो। और वो अंकल जैसे तैसे पार हुए, मतलब मैं एक मुश्किल से 20 मिनट भी अंकल से बात नहीं किया हूँगा। उतना देर में कई अंकल, कई तो लड़के भी यहाँ से गुजरते हुए घूर घूर कर देख रहे थे, और एक अंकल तो थोड़ा दूर पर खड़े होकर लगातार घूरे जा रहे थे। और मैं तो अब सोचकर पागल हुए जा रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और जो अंकल गुजर रहे थे ना, उनका मतलब लाइफ स्टाइल देख कर, पहनावा देख कर, लग नहीं रहा था कि कहीं से ये बहुत अच्छे घर के होंगे या फिर बहुत पढ़े लिखे होंगे, ऐसा कुछ। मुझे जब कुछ लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मैं तुरंत वहाँ से उठा, अपना बैग लिया और बिना कुछ बोले से, इस अंकल से भी, मैं वहाँ से चल दिया। और मैं देख रहा था कि मैं शायद 6 या 7 नंबर गेट के आसपास था। तो मैं धीरे धीरे उल्टा साइड बढ़ते हुए मैं देखा कि एक गांधी जी का बहुत लंबी प्रतिमा है, तो मैं वहाँ जाकर बैठ गया। मैं वहाँ पर बैठा था तो वहाँ पर 1 घंटे तक लगभग मैं बैठा, और वहाँ पर बहुत शांति मिला मुझको। इतना धूप में, थोड़ा सा वहाँ पर छाया था, हवा भी चल रही थी, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत शांति मुझको मिल गई। और वहाँ पर कोई ऐसा था भी नहीं जो देखने के लिए आए, पर वहाँ पर दिक्कत ये थी कि बैठने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर बैठने वाला कुछ था नहीं। तो 1 घंटे बाद मैंने सोचा कि मैं चलता हूँ वापस, कहीं चेयर देकर फिर वापस बैठ जाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि वहाँ तो नहीं जाऊँगा जहाँ मैं पहले बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर बैठना मतलब अपने इज्जत को दाव पर लगाना जैसा हो गया था। क्योंकि मान लीजिए किसी को मिलना भी होता तो ये सब काम चोरी छुपे होता है, पर वहाँ पर तो मतलब एक से बात करे 4 सामने खड़े हो जा रहे हैं, मतलब कि कोई देख ले तो उसको भी पता चल जाए कि ये आदमी क्या करने बैठा है। मैं डर से मैं जहाँ पहले बैठा था उसके अपोजिट साइड की तरफ गया। मैं वहाँ जाकर चेयर पर बैठ गया।
और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए थे, कुछ स्टूडेंट लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग मतलब ऐसे बैठे हुए थे अपने ग्रुप में, तो दिखने में भी अच्छे लग रहे थे, लग रहा था कि हाँ यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। मैं वहीं पर जाकर बैठ गया। मैं वहाँ पर एक चेयर पर बैठा हुआ था और मैं इधर उधर देख रहा था। गांधी मैदान में मतलब इतने हैंडसम हैंडसम अंकल आए हुए थे, मतलब मेरा तो जी कर रहा था कि सबसे बात कर लूँ, पर ऐसा हो थोड़े ना सकता था। मैं चेयर पर बैठा हुआ देख ही रहा था, तभी मैं देखता हूँ कि दो अंकल एक दूसरे के साथ टहलते हुए जा रहे हैं, और उसमें से एक अंकल मतलब इतना ज़्यादा गोरे थे, मतलब भूरे टाइप का, मतलब बहुत ही ज़्यादा गोरे। वो मुझको एक बार देखे, मैं भी उनको बार बार देखे जा रहा था, और मतलब मेरे पास से जितना देर तक गुजरे हम दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती रही, और लेकिन उनके साथ एक और आदमी था। मैं वहीं पर बैठा था, हर 10 मिनट मतलब गांधी मैदान बहुत बड़ी है, तो अंकल राउंड लगाकर फिर मेरे पास से गुजरते थे और मेरी तरफ ही देखते थे, मैं भी उनके तरफ देखता था। और तीसरी बार जब वो मेरे तरफ से गुजरे तो मुझको इशारा किए मतलब साथ आने के लिए। वो अंकल मुझको बहुत पसंद थे, मैं कैसे छोड़ सकता था। मैं अपना बैग लिए, छोटा सा बैग था, पीठ पर था, उनके पीछे पीछे चलने लगा, मतलब मानो ऐसे जैसे मैं ऐसे रेंडम हिली चल रहा हूँ। मैं थोड़ा दूर आगे चला, तभी मैं देखता हूँ कि ये अंकल जो मेरी तरफ देख रहे थे, वो जूता का वो जो लेस होता है वही बांधने के बहाने से रुक जाते हैं और धीरे धीरे बांधने लग जाते हैं, और उनके साथ जो आदमी थे वो अपना चलते जा रहे हैं, और वो काफ़ी जब आगे निकल गए तो मैं उनके पास गया, तो अंकल मुझसे बातें करने लगे, मुझसे पूछे कि कहाँ रहते हैं, तो मैं बताया कि मैं यहाँ से आया हूँ। तो मुझसे एक सवाल किए, बोले कि आप गांधी मैदान अक्सर आते हैं क्या। मैं बोला नहीं अंकल, मैं आज पहली बार आया हूँ, इवन मैं तो पटना पहली बार आ रहा हूँ। अंकल मुझसे काफ़ी इम्प्रेस हो गए मेरी बातों से, 2 मिनट के ही बातचीत में, और मैं हैंडसम तो हूँ ही, ऐसा तो मैं इम्प्रेस कर ही देता हूँ। तो अंकल जल्दी जल्दी में अपना कार्ड दे गए मुझको और फिर चले गए आगे, उनके साथ जाकर मिल गए, फिर वो दोनों चलने लगे। मैं भी अब पीछे पीछे जा ही रहा था, मैं सोचता हूँ थोड़ा दूर आगे चलता हूँ, कहीं जगह देकर बैठ जाऊँगा। तभी मैं देखता हूँ कि वो अंकल, दोनों अंकल जो उनके साथ थे, एक गेट से बाहर जा रहे हैं, और वो अंकल बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं, मानो कि जैसे हम लोग बिछड़ रहे हों, और वो अंकल चले ही गए। मैं आया वापस, मैं जहाँ पर बैठा हुआ था वहाँ पर बैठ गया। इतना देर तक गांधी मैदान रहने के बाद मैं एक चीज़ तो देख लिया कि गांधी मैदान में इस तरह के लोग बहुत आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर प्रोफेशनल आते हैं जिनका रोज का काम है, और उसमें कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, मतलब बहुत अच्छे लोग, काफ़ी मतलब धनी मनी लोग भी आते हैं। तो मैं इतना तो समझ गया कि गांधी मैदान में इस तरह के लोग बहुत आते हैं। जब मुझको ये बात एहसास हो गई, फिर मैं सोचा कि अब चलता हूँ, अब मैं ढूंढता हूँ किसी अच्छे अंकल को। थोड़ा दूर मैं भी इधर उधर चला तो कुछ बात बन नहीं रही थी, तो मैं सोचा कि नहीं, चलने से काम नहीं हो रहा है, मैं वापस जाकर कहीं पर बैठता हूँ। मैं बैठ रहा था, धीरे धीरे मतलब पूरा दिन मेरा निकल जा रहा था। मैं एक बार सिर्फ बाहर गया था खाना खाने के लिए, खाना जाकर खाया होटल में, फिर वापस आ गया था, लगभग शाम के 4 बज गए थे। तभी मैं देखता हूँ कि एक और अंकल पास से गुजर रहे हैं, और इस बार मैं ही देखना शुरू कर दिया। मैं देख रहा था उनको, तभी वो एक दो नज़र मुझको देखे, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को हम लोग देखने लग गए। और गांधी मैदान में एक चीज़ तो है, जो लोग आते हैं उनको पता है कि हाँ यहाँ पर दोस्ती हो सकता है, तो थोड़ा सा वो डर होता है ना, बात करने वाला पहले बात कौन करे, ये निकल जाता है। तो हम दोनों एक दूसरे को देखे, फिर वो अंकल धीरे धीरे हम मेरे आसपास टहलने लगे, तो मैं सोचा कि मैं भी चला जाता हूँ, उतना बड़े आदमी है, मैं ही आगे चला जाता हूँ। मैं जाकर वहीं पर मैं भी आसपास टहलने लगा, धीरे धीरे उनके पास चला गया, फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई।
एक चीज़ मैं नोटिस किया था, मैं अंकल से जब बात कर रहा था किसी अच्छे अंकल से, और जब मैं ये बातें बता रहा था कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं कहीं और का हूँ, पहली बार आया हूँ गांधी मैदान, तो थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे। मतलब उनको लगता था कि इससे मिलना बहुत अच्छा है, मतलब वो अच्छा मानते थे इस चीज़। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो शायद 10 मिनट की हो चुकी है, तो मैं अगले वीडियो में बाकी की कहानी डालूँगा और मैं बताऊँगा कि मैं उस दिन दो अंकल से मिला था। मतलब कि पटना गांधी मैदान, मतलब लव यू है आपको, मतलब क्या अंकल मिले थे मुझको। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर मुझसे अपलोड नहीं हो पाएगी, मेरे पास उतना डाटा नहीं रहता है। मिलते हैं दोस्तों, आप लोग को भी लव यू।